For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. Bollywood diva Aishwarya Rai apni flawless beauty aur superhit filmon ke liye jani jati hai. Halanki aajkal Aish filmon mein kafi kam dikhai deti hai. Unhein aakhri baar film Ae Dil Hai Mushkil mein dekha gaya tha, jisme wo kafi bold avatar mein dikhai di thi. वैसे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐश की जोड़ी लोगों ने सबसे ज्यादा सलमान और शाहरुख के साथ पसंद की है। बता दें, फिल्म जोश में शाहरुख खान का किरदार पहले सलमान खान को ऑफर किया गया था, जिसे सलमान ने ठुकरा दिया था। एक इंटरव्यू में इस बारे में पूछने पर सलमान ने बताया कि वो फिल्म में ऐश्वर्या के भाई का किरदार नहीं निभाना चाहते। ऐश जैसी ब्यूटी क्वीन को वो अपने ऑपोजिट हीरोइन के किरदार में देखना ज्यादा पसंद करेंगे। वेल, सलमान और ऐश की लव स्टोरी से तो सभी वाकिफ थे, इसीलिए सलमान को ऐश के भाई के रोल में देखना शायद फैंस को भी पसंद नहीं आता। वेल, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी मसालेदार बॉलीवुड गॉसिप्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई मेरे यानी मंदिरा टैगोर के साथ। कैटरीना ने ढाया सलमान पर सितम। आखिरकार सलमान के सबसे बड़े दुश्मन से कैटरीना ने मिलाया हाथ। वेल, फराह खान के शो पर लिप सिंग बैटल पर पहले ही दिन से सितारों का मेला लगा हुआ है और अब इस सितारों की महफिल में और भी रोशनी भरने फराह के शो पर कैटरीना कैफ और अभिषेक बच्चन आने वाले हैं। अब सलमान और अभिषेक में 36 का आंकड़ा है ये बताने की तो जरूरत नहीं रहती और इसके पीछे छुपे कारण भी बताने की जरूरत नहीं है। बता दें, लिप सिंग बैटल के अगले एपिसोड में दर्शकों को कैट और जूनियर बच्चन के बीच लिप सिंग का घमासान देखने को मिलेगा। अब देखना ये होगा आखिर टाइगर सलमान अपने टाइग्रेस के सितम पर कैसे रिएक्ट करते हैं भला। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय है हमें बताइए और कॉमेंट करिए।